जम्मू कश्मीर पुलिस ने की डीएसपी देवेंद्र सिंह की बर्खास्तगी की सिफारिश, पुलिस मेडल लिए जाएंगे वापस। जम्मू कश्मीर में डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से आतंकियों के पंजाब कनेक्शन का खुलासा, घाटी से पंजाब में घुसपैठ की कोशिश। नजरबंदी के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को किया जाएगा शिफ्ट, गुपकार का घर होगा नया ठिकाना। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार मोदी सरकार के मंत्रियों का कश्मीर दौरा, 18 से 25 जनवरी तक जाएंगे 36 मंत्री। केंद्र मंत्री सरकारी योजनाओं को लेकर करेंगे लोगों को जागरूक, जनता को बताएंगे 370 हटाने के फायदे। जम्मू कश्मीर के डोरा में सुरक्षा बलों ने किया हिजबुल आतंकी का सफाया, हथियार बरामद। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के आवास पर एटोम कार्यक्रम में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। निर्भया केस में फांसी से बचने के लिए दोषी मुकेश का नया पैतरा, डेथ वारंट के खिलाफ की अपील, पटियाला कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया 22 जनवरी को मुमकिन नहीं है फांसी, अदालत में मुकेश की दया याचिका की दलील दी। दिल्ली सरकार की दलील पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा लगता है कि फांसी की सजा लटकाने की कोशिश। जेएनयू हिंसा मामले में आज तक के कैमरे में गुनाह कबूलने वाले अक्षत अवस्थी समेत 3 आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। राष्ट्र महिला आयोग पहुंची रियू की छात्रा कोमल शर्मा, कहा जेएनयू हिंसा से नहीं कोई लेना देना। जामे के प्रदर्शन में शामिल हुए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशे घोष, का कश्मीर को पीछे छोड़कर नहीं जीत सकते आंदोलन। जेएनयू में बुधवार को 5400 छात्रों ने भरा रजिस्ट्रेशन की म्याद बढ़ाने पर हो सकता है विचार। जेएनयू वीसी के खिलाफ बगावत जारी, टीचर एसोसिएशन वीसी के इस्तीफे पर अड़ा, आज भी होगी बैठक। जामिया यूनिवर्सिटी में घुसकर हिंसा मचाने के आरोप में पुलिस के खिलाफ कोर्ट जाएगा विश्वविद्यालय, 15 दिसंबर को हुआ था बवाल। जामिया हिंसा में एनएचआरसी ने 52 छात्रों का दर्ज किया बयान, पुलिस पर कैंपस में बर्बरता करने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे गतिरोध के चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन का फैसला, अगले आदेशों तक परीक्षाएं रद्द। एमयू के छात्रों ने वीसी के खिलाफ निकाला मार्च, सीए का विरोध कर रहे छात्रों से वीसी ने के नाम मिलने से नाराज किए। एमयू प्रशासन की पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखाने की कोशिश नाकाम, पुलिस की दलील, हाईकोर्ट में चल रहा मामला। एनपीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की बैठक में नहीं शामिल होंगे ममता बनर्जी, का बैठक में बंगाल से कोई नहीं जाएगा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को सशर्त जमानत, कोर्ट ने शाहीन बाग न जाने की हिदायत दी, 4 हफ्ते के लिए दिल्ली से दूर रहने के भी निर्देश। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर रेलवे में तोड़फोड़ करने वाले 21 उपद्रवियों की पहचान, वसूले जाएंगे 88 करोड़ रुपए। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से पुलिस की अपील, कहा लोगों को हो रही है दिक्कत, खाली करें सड़क। और नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, 30 हजारी से मिली है उम्र कैद की सजा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश हालवनकर ने मोदी के शिवाजी महाराज से तुलना को बताया सही, कहा इसमें गलत क्या। सुरेश हालवनकर ने कहा किसान सम्मान निधि से किसानों का बढ़ा मनोबल, शिवाजी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों के साथ खड़े। इंदिरा गांधी पर संजय राउत के विवादित बोल, अनवर्ल्ड का जिक्र करते हुए कहा एक वक्त करीम लाला से मिलती थी पूर्व पीएम। संजय राउत ने कहा एक वक्त अनवर्ल्ड डॉन तय करते थे मुंबई में कौन होगा पुलिस कमिश्नर, दबाव में रहते थे अफसर। संघ के कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे मोहन भागवत, 300 संघ विचारकों के साथ बैठक। प्रियंका गांधी ने नाविक अशोक साहनी की बेटी की शादी में भेजा तोहफा, वाराणसी दौरे के दौरान की थी नौका विहार। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएगी कांग्रेस, नेताओं को आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रोग्राम आयोजित करने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का राहुल और प्रियंका पर निशाना, कहा दोनों नकली गांधी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज भरेंगे नामांकन, तत्वगंज से पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का दावा, हमारे संपर्क में है आपके 15 विधायक। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगा विचार। नामी कंपनी का लोगो स्टीकर लगाकर बेच रहा था नकली जींस, पुलिस ने दबोचा, गोदाम पर छापा। मध्य प्रदेश के रीवा में 13 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ रेप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। जम्मू में निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, लोगों ने डॉक्टर की कार फूंकी। मुंबई में मोलन इलाके में चलती कार में लगी आग, बाल बचा ड्राइवर।
सुल्तानपुर में दो गुटों के बीच फायरिंग, एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, पतंगबाजी को लेकर भिड़ंत। बलरामपुर में जमीन विवाद में भाई ने भाई की बुरी तरह से की पिटाई, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार। टिकटॉक का क्रेज बना जानलेवा, बरेली में राइफल से वीडियो बनाते वक्त चली गोली, युवक की मौत। हाथरस में पेड़ से लटका मिला 22 साल के युवक का शव, इलाके में सनसनी, अज्ञात पर केस दर्ज। चंदौली में परिवहन विभाग में फर्जी कागजात बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत चार गिरफ्तार। शामली में मोबाइल छीन कर भाग रहे शख्स की लड़की ने की जूतों से पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में पुलिस भर्ती के दौर के बाद बिगड़ी महिला अभ्यर्थी की तबियत, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सुपौल में बीएसएफ ने नकली नोट के साथ युवक को दबोचा, युवक के पास से 500 के 15 नकली नोट बरामद। हाजीपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ गैंग रेप, बंदूक के बल पर चार लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर में मुखिया के अपराधियों ने की हत्या, आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग को 5 घंटे तक किया जाम। गोवा एक्सप्रेस से पुलिस ने 1.5 किलो गोल्ड के साथ चार को पकड़ा, ठगी और चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। चेन्नई एयरपोर्ट से पुलिस ने 3.5 किलो सोना पकड़ा, बाजार में 1,39,00,000 कीमत, युवक से पूछताछ जारी। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हिरासत में लिए गए लोग। चित्रकूट में पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में डैम में डूबा पति, गोताखोर शव की तलाश में जुटे। बैतूल में 19 करोड़ का फर्जी चेक देकर 50 किलो सोना खरीदने की कोशिश, शक होने पर ज्वेलर्स ने पुलिस बुलाई, दो गिरफ्तार। नरसिंहपुर से गंगा खासा, नर्मदा में नहाने के दौरान दो बच्चे हुए लापता, 3 बच्चों को बचाया गया। झालावाड़ पुलिस को कामयाबी, ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार, विदिशा में बेचते थे स्मैक। गाजियाबाद में डकैती के दौरान पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को ही पकड़ा, अवैध संबंध के शक में कराई थी हत्या। जिले के शाहीनबाग में सीए के विरोध के दौरान हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, तिरंगा फहराने की कोशिश। हिसार में गौ रक्षा दल का विरोध प्रदर्शन, 1 महीने में 529 गौवंश की मौत के बाद बवाल, हरियाणा सरकार पर लापरवाही का आरोप। पलवल में पुलिस के लिए सिरदर्द बना गिरोह, अलग अलग एटीएम से अब तक 31 लाख रुपए उड़ाए। यमुनानगर में बीजेपी नेता का फंदे से झूलता हुआ मिला शव, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं। गुरदासपुर में दो गुटों के बीच गोलीबारी में एक शख्स घायल, पतंग लड़ाने के चक्कर में बड़ा बवाल। हमीरपुर में हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला और एक शख्स गिरफ्तार, बुजुर्ग और रिटायर लोगों को फंसाकर करता था वसूली। कानपुर में शादी समारोह में गए शख्स के घर में चोरी, लाखों का सामान लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बाराबंकी में स्वच्छता मिशन की उड़ी धज्जियां, सार्वजनिक शौचालय को बनाया रसोई। रामपुर में पुलिस से भाग रहे युवक की नदी में डूबकर मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। सहरसा में शराब कारोबारियों की मदद के आरोप में उत्पाद अधीक्षक समेत 3 पर केस, 2 गिरफ्तार। छपरा में आजमगढ़ कोलकाता एक्सप्रेस से 120 कछुआ बरामद, शराब की चेकिंग के दौरान बरामद किए। झारखंड के खूंटी में बिजली की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत, वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोतिहारी में डीएम की 30 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा प्रशासन। अयोध्या में भरतकुंड महोत्सव का हुआ आगाज, भरत के चरित्र का दर्शन कराया गया, चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक पर्यटन बसें। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में टैक्स फ्री हुई अजय देवगन की फिल्म तानाजी, महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री करने की अटकलें। उन्नाव जेल में कैदियों के लिए रेडियो सेवा शुरू, जेल में बंद कैदी सुन सकेंगे मनचाहे गीत। बस्ती में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, कई घंटे तक लखनऊ गोरखपुर डाउन लाइन पर ट्रैफिक बाधित। कश्मीर में सेना के जवानों ने बर्फ में दबे एक शख्स की बचाई जिंदगी, चिरार कोट के ट्विटर हैंडल ने वीडियो किया शेयर। बर्फबारी की वजह से घाटी में जबी जिंदगी, श्रीनगर जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द, प्रशासन राहत में जुटा। कश्मीर में भीषण ठंड और शीतलहर, मौसम विभाग का अनुमान 24 घंटे तक घाटी के कई इलाकों में जारी रहेगी बर्फबारी। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में भारी बर्फबारी की चेतावनी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अलर्ट। टिहरी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में शीतलहर से लोग परेशान, 24 घंटे में बारिश से और पड़ेगी ठंड। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जमा देने वाली ठंड, कुफरी और मनाली में 0 से नीचे गिरा तापमान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में -8 डिग्री तक गिरा तापमान, 16 जनवरी से 21 तक और बर्फबारी का अलर्ट।
पहाड़ों में बर्फबारी से पंजाब हरियाणा में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक, बड़ी कपकपी। राजस्थान में भी ठंडी हवाओं ने पारा गिराया, नीचे भिलानी में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक गिरा, घरों में कैद हुए लोग। दिल्ली में भी लौट सकती है ठंड, मौसम विभाग ने बारिश का लगाया अनुमान। भारत दौरे पर है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, 7,000 करोड़ रुपए निवेश का किया ऐलान। सरकारी सब्सिडी में कटौती से फोन निर्यात को झटका, मैन्युफैक्चरर्स ने एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर रद्द किए। यूएस पेटेंट की टॉप 100 कंपनियों में एक भी भारतीय नहीं, चीन बना उभरता स्टार। विदेशी टीवी और मोबाइल हो सकता है महंगा, बजट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। सस्ती कीमत पर होंडा अमेज, सिटी और सीआरवी खरीदने का मौका, मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। 17 जनवरी को होने वाला दूसरा वनडे नहीं खेलेंगे ऋषभ पंत, पहले मैच में बल्लेबाजी के दौरान हेलमेट में लगी थी चोट। आईसीसी अवार्ड्स में रोहित शर्मा ने मारी बाजी, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। आईसीसी अवार्ड्स में विराट कोहली को मिला स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड, दीपक चाहर बने बेस्ट टी20 परफॉर्मर। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को भी आईसीसी अवार्ड मिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। संन्यास से वापस आना चाहते हैं एबी डिविलियर्स, टी20 वर्ल्ड कप खेलने की ख्वाहिश। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होने के आसार, फेज वन ट्रेड डील पर लगी मुहर, दोनों देशों ने एमओयू पर किया साइन। बदले में अमेरिका से ज्यादा एग्री प्रोडक्ट खरीदेगा चीन, 2 साल में 200 अरब डॉलर से अधिक सामान करेगा आयात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में चलेगा महाभियोग, 21 जनवरी से शुरू हो सकती है कार्रवाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम पद के लिए टैक्स सर्विस के चीफ मिशुस्टिन के नाम का किया प्रस्ताव। वेनेजुएला में हथियारबंद लोगों ने विपक्ष के नेताओं पर किया हमला, काफिले को बनाया गया निशाना। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।